আজকে? এখন দিদু আসছে, একটা ডক্টর ভাইয়া আসছে। ডক্টর ভাইয়া আসছে, রাইসা আসছে। হ্যাঁ রাইসা আসছে। হাই ফ্রেন্ডস, आज बहुत ही पता नहीं क्या होगा, अभी 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 2:30 बज रहे हैं और मुझे खबर मिला कि मेरी भांजी है, भांजी सॉरी, मेरी ननंद की बेटी भागनी, मेरी भागनी और उसकी पति, मतलब हम लोग जमाई कहते हैं, तो माय सन इन लॉ एंड माय डॉटर एंड माय सन इन लॉ इज कमिंग विद इन 2 आवर्स। तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी, मैं झटपट एक केक बनाने जा रही हूँ, वैनिला केक। याकूब मुझे हेल्प कर रहेगा, ऐसा मत करो मत करो, खुल जाएगा। हाँ याकूब मुझे हेल्प करेगा और कुछ स्नैक्स बनाने का मैंने सोचा है, तो झटपट देखते हैं मैं क्या क्या बना सकती हूँ 2 घंटे में। आपको मैं अपडेट्स देती रहूँगी, प्लीज़ मेरे साथ प्रे कीजिए कि हर आइटम अच्छा हो। ओके बाय। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर और हमने कोको पाउडर यूज़ किया था। रायसा को चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आज चॉकलेट फ्लेवर की बना रही हूँ। और आज वैलेंटाइंस डे भी है माय फ्रेंड्स, सो इसीलिए चॉकलेट इज वेरी स्पेशल, चॉकलेट तो बनता ही है। तो आइए देखते हैं हमारा केक कैसा बनता है। इसमें और हम ऐड करेंगे, याकूब डोंट पुट योर हैंड इनसाइड इट, इट्स डर्टी बाबा। वी विल ऐड सम ऑयल एंड ऑल्सो वी विल ऐड द एसेंस। ओके फिर हमारा बैटर हो जाएगा तैयार एंड वी विल पुट इट इन द ओवन। यस। और याकूब हम क्या डाल रहे हैं इसमें? द ऑयल, आपका ऑयल। ऑयल ना, ऑयल। ऑयल, ऑयल। ठीक है, डाल दो उसमें। डाल दो। एंड वी विल मिक्स। बैटर हो गया है रेडी, नाउ वी आर पुटिंग इन आवर टिन। सो हमने केक कहाँ पे डाल दिया है? ना ओवन है, ढक्कन। सो दोस्तों अभी बज रहे हैं 3:10 बाकी है, 20 मिनट में हमारा जो है बैटर रेडी हो गया है और मैंने ओवन प्री हीट करने के लिए रख दिया था और मेरा केक मैंने लगा दिया है 40 मिनट्स में मेरा केक तैयार है। चलिए अब नीचे जाते हैं किचन में, देखते हैं पानो क्या करती है। चलो चलो जल्दी आपको, चलो 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 नीचे चलो याकूब, देखते हैं बानो क्या कर रही है। आओ आओ, चलो 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 जल्दी चलो। हाँ धीरे धीरे, जल्दी मत करो, ध्यान से उतरो। हाँ अभी बज रहा है 3, हमारा पोटैटो भी बॉयल हो चुका है, एग्स भी बॉयल हो चुका है। चलो किचन में देखते हैं, और हमारे पास 1.5 घंटा टाइम है। खोलो खोलो जल्दी दरवाज़ा खोलो बानो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। मुझे लग रहा है हम लोग मास्टर शेफ की तैयारियां कर रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है और 2.5 घंटे में हमें बहुत सारा खाना बना। देखिए कुकर भी चढ़ गया, आलू भी बॉयल हो गए, देखते हैं क्या। मैंने पुलाव का जो चावल होता है, छोटा छोटा चावल, हम लोग गोविंद भोग चावल कहते हैं बांग्लादेश में, काली जीरा चावल ऐसे कहते हैं, इसको मैंने भिगो दिया है। इससे मैं खीर बनाऊंगी और वहाँ पर मेरा आलू जो है वो बॉयल हो चुका है। देखिए आलू भी बानो ने बॉयल करके रखा था और अंडे भी रेडी है। तो ठीक है, 2-3 आइटम, मेरा केक भी डल गया है ओवन में, तो 3 आइटम एटलीस्ट मेरा रेडी हो जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ समोसा बनाने के लिए। मैं मैदा को क्या करूँगी, एकदम नीट करके डो बनाती हूँ। चलिए ये मैं देखिए आटा मैदा है, सॉरी डो बना रही हूँ। अभी बज रहा है 3:15, मैं दे रही हूँ, ये डो भी रेडी हो गया है। देखो अब हम पूड़ बनाएंगे। फरीदा भी आ गई है हमको हेल्प करने के लिए। फरीदा हाय बोलो, हाय बोलो उनको, हाय।
आधा ऑयल दो पानी, थोड़ा सा ही लगेगा, जीरा दो, जीरा दो। देखो जल्दी जल्दी मैं कुकिंग कर रही हूँ, गैस ही मैंने जलाया नहीं और कढ़ा को चढ़ा दिया। हमारे पास आई थिंक कितने बज रहे हैं मानू, देखो कितना बज रहा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 3:30 बज रहा है मोटा, लगभग काम हो चुका है। ये जीरा जो है फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें गोलमरीच डाल देंगे। ये जीरा सब दो। जब बहुत सारे आइटम्स बनाना हो तो टीम की ज़रूरत होती है, और उस टीम को ठीक तरीके से काम करवाना आपका काम है। तो इसीलिए मैं खुद भी कर रही हूँ और फरीदा और बानू को भी बोल रही हूँ क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना फरीदा? सारे मसाला मैंने डाल दिया है, अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। सबसे असली मसाला क्या है दोस्तों कुकिंग में? नमक। दो नमक दो। नमक कम ज्यादा होगा तो खाने का टेस्ट ही नहीं होगा। हमारा आलू का पूरी रेडी हो चुका है, मैं समोसा बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है, हम लोग फिंडी बनाएंगे। फिंडी या खीर? ठीक है, हम लोग खीर बनाएंगे। फिंडी जमने में टाइम लगता है इसीलिए। समोसा हो गया है तैयार, अब हम फ्राई करने जा रहे हैं। ये मैं चुप बेसन है जो उसका बैटर बना रही हूँ। एक जो बॉईल करके रखा था उसमें डिप करके हम लोग एक पकौड़े बनाएंगे। मैंने अंडा बॉईल करके कट कर लिया है, उसमें नमक और चिली पाउडर थोड़ा स्प्रिंकल करके वो बेसन का जो बैटर बना है उसमें डिप करके फ्राई करूंगी। और ये ऑयल गर्म हो चुका है और समोसे भी तैयार है, अब हम फ्राई करने जा रहे हैं। देखो याकूब ने क्या किया है। क्या हो तुम याकूब, तुम क्या बने? हम तो डर गए। बाप रे, देखो इधर मैं कुकिंग कर रही हूँ और याकूब को देखो। तुम भी भालोबाशा भी जानी, बट व्हाई यू आर डूइंग दिस? हमारा खीर भी तैयार हो चुका है, देखिए। हाँ, समोसा रेडी, केक रेडी, खीर रेडी। अभी बज रहा है 4:15। देखिए ये लास्ट फ्राई हो रहा है चिकन, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ याकूब भी तैयार हो चुका है, ड्रेस कर लिया है उसने। और यहाँ पे हमारा जो खीर है वो रेडी, और यहाँ पे वैरायटी स्वीट्स ही हमने दुकान से ख़रीदा है वो भी रेडी है। सारे बर्तन वगैरह सब हमने वॉश करके एकदम क्लीन करके रेडी करके रख दिया है। हमारा समोसा और एक पकोड़ा, ये सारे तैयार है। अभी हॉटपॉट पे हम लोग रख रहे हैं क्योंकि ठंडा हो जाएगा, वो लोग 10-15 मिनट में आता ही होगा इंशाल्लाह, तब हम सर्व करेंगे। और देखिए दोस्तों अभी बज रहा है 4:40, ठीक है 4:40 अभी बज रहा है, 10 मिनट लेट है, मगर फिर भी हम लोग सब कुछ तैयार कर लिया। लगभग 5 बजे हम लोग सर्व करेंगे, 5 में मतलब अगर वो आ जाए ठीक टाइम से हम लोग सर्व करेंगे। तो होपफुली एवरीथिंग इज रेडी, सिर्फ चिकन बाकी है। व्हाट यू वांट टू डू? नो नो नो, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस आर फॉर एडल्ट्स, यू आर अ लिटिल बेबी। नो 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 प्लीज। वो क्या हो गया, माय गुडनेस। देखिए हम लोग लास्ट डिश फ्राई कर रहे थे वो ही चुका है और गैस हो गया है खत्म। फरीदा जल्दी गई है, हमारे एक एक्स्ट्रा गैस रहता है ऑफिस में, वहां से लेने गई है। देखो मतलब हर काम हो चुका है, एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट ही चिकन बाकी था।
लास्ट मोमेंट में ये होना ही था, दुआ कीजिए। हमारा चिकन पकौड़ा अभी तैयार हो चुका है, अभी अभी इसको हम सॉस में डाल के फिर से फ्राई करेंगे। ये था हमारा लास्ट डिश और हम बनाएंगे आखिर में प्याज के पकौड़े। सब कुछ यहाँ पे रेडी हो गया है, देखो सब मैंने रेडी करके रखा है और इस कढ़ाई में ऑयल डाल के हम लोग झटपट फ्राई कर को चिकन तैयार भी हो चुका है, सर्व भी हो चुका है, मैं पिक्चर भी नहीं उठा पाई। और ये बन गया ऑनियन पकौड़ा, देखो रायसा आ गई है फिर से वैलेंटाइन डे में, मुझे इतना प्यार करती है रायसा, मेरे साथ वैलेंटाइन डे स्पेंड करने आई है, थैंक यू सो मच। कुछ बोलो। बहुत 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 अच्छा लगा और अनएक्सपेक्टेड था, अचानक से आ गई लेकिन इतना कुछ खिला दिया मम्मी ने, घर जाके कुछ खा नहीं पाऊंगी डिनर के लिए, और एक बहुत प्यारा केक भी था लेकिन मैं काट नहीं पाई। हाँ, ये रायसा लवन के लिए स्पेशल था, वैलेंटाइन का शेप बिगड़ गया। हाँ, क्या करें, चलो अभी हम लोग लाबोन से कुछ। ये था आज का स्पेशल गेस्ट मेरा सन इन लॉ डॉक्टर प्लावन मंडल, वो कुछ बोलेगा आज मामी के लिए कुछ मैसेज। थैंक यू मामी, এত সুন্দর আতিথেয়তার জন্য, আমি তো বরাবরই আসতে প্রচন্ড ভালোবাসি নানা এখানে, আর আর কি বলবো, এত মামা কে লিয়ে আর নানি কে লিয়ে, নানি কে লিয়ে ডিফিনেটলি, এবং সবার উপরে নানার জন্য। তো সবাই ভালো থাকুক, নানা নানির শরীর খুব ভালো থাকুক, এবং আমি প্রতিনিয়ত যাতে এরকম আসতে পারি এবং উপভোগ করতে পারি এইটুকুই দোয়া চাইবো আপনাদের কাছে, তো আমরা দুজনই চাইবো আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। দেখিয়ে ইতনা কম টাইম মে মানে কিতনা কুছ বানা দিয়া, সব কুছ অর্গানাইজ করকে আপকো বানানা পড়েগা, কেসে ইয়ে পকোড়া, ইয়ে চিকেন শেজওয়ান পকোড়া, ফির ইয়ে এক পকোড়া, ইয়ে সমোসা, ইয়ে কেক, সব মানে ঘর মে বানায়ে 2 ঘন্টে মে ऑर्गेनाइज करके, टाइम मैनेजमेंट करके मैंने किया था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रायसा और प्लाबोन दोनों आए, उनके साथ एक दोस्त भी आए हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। वैलेंटाइंस डे कुछ नहीं होता, मैं इतना मानती नहीं हूँ, मगर अपने अपनों के साथ हमने बिताया, यही मुझे अच्छा लगा। रायसा बाय बाय बोल दो, याकूब बाय बाय बोल दो, बाय।